अपने जानी बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां शेरांवाला गेट में घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 अफराद जान बहक जबकि 2 जख्मी हुए हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, बताया गया वाकया किस तरह से पेश आया? जी मिस्री शाह का इलाका है जहाँ पर तादरीन सूरतहाल ये है कि घर के एक ही घर में जो कि छत गिरने का बायस है, एक ही खानदान के 4 अफराद इस वक्त जामक हो गए। जामक होने वालों में जो कि 35 साल इरम जो कि बच्चों की वालदा है उसके साथ साथ 10 साल शायान, 12 साल उमैर उसके साथ उनकी बहन जो कि इरम मलबे तले आकर इस वक्त जामक हो चुके हैं। अलबत् उनका एक भाई अब्दुलरहमान जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल बताई जा रही है, इस वक्त इमदादी टीमें भरपूर कोशिश कर रही है कि जो इस वक्त मलबे तले दबा अब्दुलरहमान है उसकी लाश को जल्द से जल्द या जख्मी हाल में उसको निकाल लिया जाए। अलबत्त इस वक्त मकामी अफराद का एक जो कि इलाका मकीन है उनका एक जमा गफीर यहाँ पे इकट्ठा हो गया जिसके बायस इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात का सामना करना पड़े। मिस्री शाह का इलाका है जहाँ पर तंग गलियां होने के बायस रेस्क्यू की टीमें जो कि ताखीर के साथ मौका पर पहुंची और ऑपरेशन जो कि ताखीर के साथ शुरू किया गया जिसके बायस 4 अफराद जो कि मलबे तले दबकर ही जामक हो गए। इस वक्त जो कि 12 साल अब्दुलरहमान बताया जा रहा है जिसको तलाश इस वक्त जारी है, इमदादी टीमें मौका पर मौजूद हैं। रेस्क्यू के साथ साथ FIF और ईडी के अहलकार भी इस वक्त इमदादी कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं ताकि इस वक्त जो मलबे तले दबे अफराद हैं उनको निकाला जा सके। जी शुक्रिया आबिद चौधरी।